हेलो देयर, आज हम सीखेंगे जब आप डिलीवरी में कोई भी शेयर बाय या सेल करते हैं तब आपका पैसा कहाँ से कहाँ जाता है और शेयर कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये हम एक जनरल इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। सो अब देखिए, इमेजिन करिए आप एक शेयर के होल्डर हैं। समझिए आपके पास SBI के 1000 शेयर्स हैं। अब आपने SBI के 1000 शेयर ओन करके रखे और आपकी इच्छा है कि आप SBI के 1000 शेयर आज 200 रुपये से बेचना चाहते हैं। तो अब समझिए आपने अपने ब्रोकर को कॉल किया और आपने अपने ब्रोकर से कहा कि आप एक काम करिए, मेरे SBI के 1000 शेयर 200 रुपये पर बेचने के लिए रख दीजिए। तब आपका ब्रोकर जो एक ऑर्डर डालेगा, वो जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज के सेंट्रल कंप्यूटर पे दिखाई देगा कुछ इस प्रकार। सो आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज के कंप्यूटर पे ऐसे दिखेगा कि कोई तो है जो 200 रुपये पे 1000 शेयर बेचने के लिए रेडी है। तो यूजुअली ये सबके ऑर्डर्स होते हैं साथ में, तो आपका ऑर्डर इस तरफ दिखेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो हमेशा किसी बेचने वाले से खरीदते हैं, जब आप शेयर बेचते हैं तो किसी खरीदने वाले को बेचते हैं। तो आपका ऑर्डर यहाँ पर दिखाई देगा, तो समझ लो किसी ने देख लिया कि कोई तो है जो 200 रुपये पे 1000 शेयर बेचने वाला है, तो वो भी अपनी तरफ से बाइंग का ऑर्डर डालेगा कि आप 200 रुपये पे 1000 शेयर बेच लो। तो उसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा कि 200 रुपये पे 1000 शेयर खरीद लो। तो जैसे ही कंप्यूटर यानी कि एक्सचेंज के कंप्यूटर को दिखता है कि 200 पे बायर भी है 200 पे सेलर भी है, तो प्राइस मैच हो जाता है। जैसे ही प्राइस मैच हो जाता है कंप्यूटर वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देती है, मतलब बायर को शेयर दे देती है, सेलर को पैसे। तो अब ये ऑन द स्पॉट नहीं होगा बट ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो समझो 11 बजे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और अब समझो 11 बजे और 3:30 तक तो ब्रोकर को यही लगेगा कि ये इंट्राडे ट्रेड है, लेकिन एक बार 3:30 बज गए तो अब 3:30 के बाद क्या होगा, बैक ऑफिस का काम शुरू हो जाएगा। तो बैक ऑफिस बेसिकली क्या कहेगा, तुम अपने जो पैसे हैं वो मेरे पास ब्लॉक रख दो, आपके जो शेयर्स हैं आप मेरे पास ब्लॉक रख दो। तो इसके पैसे और इसके शेयर्स ब्रोकर के पास ब्लॉक हो जाएंगे। अब बेसिकली नेक्स्ट डे यानी कि अब ये ट्रांजेक्शन हुआ समझो टी डे को, सो फर्स्ट डे। अब सेकेंड डे को क्या होगा, बेसिकली एक्सचेंज इस ब्रोकर से शेयर लेके इस ब्रोकर को दे देगा, इस ब्रोकर से पैसे लेके इस ब्रोकर को दे देगा। सो बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस बेसिकली ये काम एक्सचेंज के लिए कर देता है। सो इस ब्रोकर के डिपॉजिटरी से यानी कि डीमैट अकाउंट से शेयर यहाँ पर चले गए, इस अकाउंट के पैसे अकाउंट से यहाँ पर आ गए। सो ये T+1 डे को है यानी कि सेकेंड डे को। अब थर्ड डे को क्या होगा, ये ब्रोकर देखेगा कि किसने किसने शेयर बेचे थे, उस हिसाब से उसके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। और ये ब्रोकर देखेगा कि जिस हिसाब से जिस जिसने शेयर्स लिए थे उसके डीमैट अकाउंट में वो शेयर ट्रांसफर कर देगा। सो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आने के लिए पूरा 3 दिन लगता है, जब आप कोई भी शेयर बेचते हैं तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा आने के लिए पूरा 3 दिन लगता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप खरीदा हुआ शेयर को बेचने के लिए आपको पूरा 3 दिन वेट करना पड़ेगा। आपने अगर शेयर आज खरीदा है तो आप अपनी मर्जी से उसको आज भी बेच सकते हैं या फिर कल भी बेच सकते हैं या फिर समझो 10 दिन बाद भी बेच सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अगर आपने कोई शेयर बेचा है तो उसका पैसा बेसिकली आपके अकाउंट में उसी समय क्रेडिट हो जाता है, बट वो रियल पैसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक आप उस ब्रोकर के उस क्लाइंट हो, इसलिए ब्रोकर आपको एक वर्चुअल मनी दिखाता है कि आप इस पैसे से कोई और शेयर भी खरीद सकते हो। तो आप उस पैसे से जो आपका पैसा फ्री हुआ है उस पैसे से और कोई शेयर भी खरीद सकते हो। और लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको वो पैसा अपने बैंक में वापस निकालना है तो आपको पूरा 3 दिन वेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपने आज खरीदा हुआ शेयर आज भी बेच सकते हो, आज बेचे हुए शेयर के पैसे से और शेयर भी खरीद सकते हो। सो आपको बस पैसा बैंक में निकालने के लिए पूरा 3 दिन वेट करना पड़ता है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक यही है कि जब आप शेयर खरीदते हो तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा, जब आप शेयर खरीदते हो तो डीमैट अकाउंट में शेयर आने के लिए पूरा 3 दिन लगता है, जब आप शेयर बेचते हो तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा आने के लिए पूरा 3 दिन लगता है। सो दिस इज़ व्हाट इज डिलीवरी सेटलमेंट। थैंक यू।